हम लोग आलस्य बरतते हैं, और इसीलिए उस आलस्य में न तो हम कथा को ही समझ पाते हैं और न गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पाते हैं। मैं फिर कहूंगा, एक बार गुरु के सानिध्य में जाकर अपने जीवन को सदमार्ग पर ले जाने की कोशिश कीजिए। एक पंडित जी थे, बड़े आलसी थे, जो पत्नी बना दे वो खा लें और खा के सो जाए, रोज का काम। पंडितानी बड़ी दुखी थी, पंडितानी सोचती थी ऐसे कब तक काम चलेगा, ये खाते हैं सो जाते हैं, खाते सो जाते हैं। अब वो शिव जी की पूजा करते थे, तो उनको लगता था कुछ तो होगा, शिव जी करेंगे, हम क्या करें, शिव जी करें। अब देखो ऐसे भी थोड़ी होता, कर्म तो करते ही रहो ना, आगे शिव जी उसमें फल बढ़ा देंगे, ये अलग बात। शिव जी करें खाएं और सो जाएं, एक दिन एक महात्मा जी आए, दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने मिलके सेवा करी और भोजन कराया, द्रव्य दक्षिणा दी, चले गए लेके महात्मा जी दक्षिणा। महात्मा जी जाने से पहले पूछे, पंडित जी हमसे कुछ मांग लो। तो पंडित जी बोले, महाराज एक बात कहें। बोले क्या? बोले हमको आराम बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले हमें कोई ऐसा व्यक्ति दे दो जो हम कहें वो हमारा काम किया करें, जो हम कहें सो काम करे। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है लाओ, हम बताते हैं। महात्मा जी ने झोली खोली और झोली खोल के महात्मा जी ने एक बोतल पकड़ा दी। बोले ये पकड़ो। बोले ये क्या करेगी? बोले यही करेगी। बोले क्या करेगी? बोले अच्छा ऐसे नहीं समझो। बोतल खोली, उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ, बाहर आके खड़ा हो गया। बोले जी महाराज। बोले आज से तुम हमारी नहीं इनकी गुलामी करोगे, जो ये पंडित जी कहें वही तुम करना। तो महाराज महात्मा जी तो गए, अब वो भन बना के खड़ा हो गया। वो जब आवे तो महाराज दीवालों की खिड़कियां बड़कियां सब हिलने लग जाएं। बोले कहो हमें काम बताओ, अगर तुमने काम नहीं बताया तो याद रखो हम तुमको खा जाएंगे। जब तक काम करवाते रहोगे आप बचे रहोगे। बड़ा दुखी पंडित जी बोले आने की देर नहीं हुई, खाने की पहली बात करने लग गया है। तो पंडित जी को लगा हम पे तो काम ही बहुत है, हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, हमें खाएगा कहाँ से, तुझे टाइम ही नहीं दें खाने का। बोले जाओ हमारा कई बीघा जमीन है, जाके सबको जोत के आओ बैल से। जिन बोला अभी गया और अभी आता हूँ। थोड़ी देर में लौट के आ गए, काम बताओ। बोले क्या काम बताएं, खेत जोतने के लिए कहा था, किया हुआ तो खेत जोताए, काम बताओ तो नहीं तो खा जाएंगे तुमको। बोले कमाल कर दिया इसने, इतनी जल्दी कैसे? बोले चलो दिखा के लाता हूँ। बड़ा को उठाया, दिखाया और फिर बैठा दी। बोले काम बताओ। पंडित जी बोले ऐसे तो कितने काम बताऊंगा। बोले पानी लगाओ सब में, पूरे में पानी लगा के आ गए, काम बताओ। अब तो बड़ा मुश्किल में पंडित जी बोले अच्छा काम बताओ, ये तो खाने को, ये तो मरने का प्लान देंगे बाबा हमको, ये तो ऐसे। अब तो अब उसे शर्म आने लगे, मैं आलसी क्यों था, आलस के चक्कर में मौत को इन्वाइट कर लिया। ये तो कहता काम बताओ नहीं खा जाऊंगा, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। पत्नी समझ गई, पंडित जी पीले पड़ने लगे धीरे धीरे। कितना काम बताएं हैं, काम भी कितने कर सक वही नहीं उतने घर के, और तो वो तो तुरंत कर लाता है। तो वो पंडित जी धीरे धीरे पीले पड़ने लगे। पंडितानी पूछ रही, ए जी सुन तो। बोले हाँ। पीरे चूं पर गए। बोले कछ पूछे मत, पीरे ना है अब तो सफेद परेंगे। का है गो काय को मर रहे हो? अरे बोले मरे ना तो का, मरे ना तुझे मार देगो भयो का? अरे बोले ये इतना रोज रोज कहता है काम बताओ काम बताओ, इतना काम कहां से लाऊं, कहां से लाऊं इतना काम? ये तो कह रहा है काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा, खा जाऊंगा। रोज खाने की धमकी देता है, काम के लिए रखा था कि खाने के लिए रखा है इसे? बोले देखो सुनो, हम तुम्हें संकट से बचा सकते हैं। पत्नी हमेशा संकट में काम आती है, ये पति नहीं समझते हैं। पतियों को समझना चाहिए ईमान से, बहुत काम आती है संकट के टाइम पे। सिर्फ पत्नी ही काम आती है, बाकी के तो सब
कहा कहूँ मैं तुमसे? तो पत्नी ने कहा देखो हम तुम्हारे काम कर देंगे, तुम्हें संकट से बचा लेंगे, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? बोले देखो समस्या यही है, तुम जानती हो इसे काम नहीं बताएंगे तो ये खा जाएगा। अब क्या काम बताएं, कितना काम बताएं? बोले सुनो तुम हमसे एक प्रॉमिस करो तो हम तुम्हें बचा लें। बोले क्या? बोले आज के बाद तुम आलस नहीं करोगे, अपना काम खुद करोगे, खेत का काम खुद करोगे, घर का काम खुद करोगे, जो घर का काम है हम करें वो हम करते हैं, तुम्हारे काम तुम करो। अगर ये हमसे प्रॉमिस करो तो इससे हम तुम्हारा छुटकारा करवा सकती हैं। अरे बोले तू याते बचा ले, जो तू कहेगी सो करूँगा, जो तू कहेगी सो करूँगा, पर याते बचा ना तो जी मोह ना लग रहा हो कि दो तीन दिन हम छोड़ेगो, दो तीन दिन हम सुपड़ा साफ है, इतना ही काम वो खत्म है गे, यहाँ पे कालन काम करवाऊँ वो पे काम ही ना बचे। कबू तुझो कहें तू बोरी न सिल दे, कबू कहें तू लकड़िया बीन ला, कबू कहें तू और नेक कहें तू झटकल ला, तो टाइम ना है वो पे जल्दी करवा। बोले प्रॉमिस करो खुद काम करो। बोले हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ खुद काम करूँगा, अब आलस नहीं करूँगा, पर याते बचा। बोले सुन अब आया काम बताओ। तो पंडित जी ने पंडितानी में इशारा कर दिया, मालकिन बताएंगे, मालकिन बताएंगे अब काम, मालकिन काम बताओ नहीं तो मैं इनको खा जाऊंगा। बोले अब भी मालकिन काम बता, भी वो क्यों खावेगो तू, आज से मेरी गुलामी नहीं करनी तुझे, आज से तू अपनी मालकिन की गुलामी कर। बोले नहीं नहीं बाबा तुमको देके गए मैं, बा काम सब करूंगा पर खाऊंगा तुम्हीं को। जी बोले मेरे पीछे पड़ गो, कोई बात नहीं मालकिन बताओ कोई काम इनको। बोले हाँ बताती हूँ, सुनो हमारी गली के बाहर एक कुत्ता बैठा है सफ़ेद कलर का, पीछे से काला है, हाँ मुंह से थोड़ा लाल है। तो बोले उसकी पूंछ टेढ़ी हो रही है, जाओ उसकी पूंछ सीधी करके आओ। बोले अभी गया, गया और अभी तक वापस नहीं लौटा है, अभी तक वापस नहीं लौटा है और उसे सीधे करने का प्रयास चालू है। शिव की कृपा से दोनों पंडित पंडितानी जी भगवान शिव के धाम में प्रस्थान कर गए हैं, पर वो सीधी नहीं कर सका है अभी तक। तो आप कह रहे होंगे क्या करें? बोले जो लोगों का मन वो कुत्ते की पूंछ जैसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम भगवान को नहीं मानेंगे और भगवान की बुराई ही करेंगे, उनको तो जिंद ठीक नहीं कर सका तो फिर हम जैसों की तो वैल्यू ही क्या है। परंतु आप सबसे फिर भी कहेंगे अपने मन को आलसी मत बनने दो, अपने मन को संभाल के रखो, अपने मन को शिव के चरणों में रखो। जब शिव के चरणों में रखोगे, शिव कृपा करेंगे तो निश्चित ही आप सबका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।